हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रोमिला रामवानी अपनी किचन में आपका स्वागत करती हूँ और आपके साथ कुछ अपनी रेसिपी शेयर करना चाहती हूँ। मुझे उम्मीद है कि मैं आपकी उम्मीद पर खरा उतरूँगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो उसको शेयर लाइक ज़रूर करना, क्योंकि इससे मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं आगे भी अपनी रेसिपीज डाल सकूँगी। कुछ दिन पहले मैं फर्जी रेस्टोरेंट गुड़गांव गई थी, वहाँ मैंने वड़ा पाव खाया और दाल चावल खाए, जिसमें वड़ा पाव मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, दाल चावल भी बहुत अच्छे लगे। वड़ा पाव की रेसिपी मैं आपके साथ अपने हिसाब से शेयर करना चाहती हूँ, जो कि मैंने कोशिश की है उस तरह का बनाने की। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी। मैंने 4 आलू बॉईल किए हैं और उनको क्रश किया है और उस और यहाँ 5 चम्मच बेसन के मैंने गोले हैं वड़ा पाव के लिए। इसमें नमक, हल्दी, मिर्च और जीरा पाउडर डाला है और इसको अच्छी तरह से इस तरह से गोला है। ये चटनियाँ मैंने तैयार की हैं, पुदीना और धनिया को मिक्स करके ये चटनी बनाई गई है। इसकी रेसिपी मैंने अलग से डाल ली है, डालूंगी। और ये मैंने लहसुन और रेड चिल्ली, और कोकोनट ग्रेट करके, लहसुन ज़्यादा डाला है, ग्रेट करके उसको मिक्स किया है, उसकी चटनी बनाई है। ये सौंठ चटनी बनाई है अमचूर के साथ, इसकी भी रेसिपी मैं अलग से डालूंगी आपके लिए। अभी मैं आपको वड़ा पाव की रेसिपी बताती हूँ। इसमें 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, सरसों 1/2 चम्मच, 10 करी पत्ता लीव्स और ये चना और मां की दाल, उड़द दाल वाइट और चना दाल, ये मैंने 1 चम्मच लिया है। इसको मैं मसाले में ऐड करूँ। मैं आलू का मसाला बनाऊँगी, उसके लिए ये सब तैयार किया है। और ये वड़ा पाव के लिए मैंने मिर्ची फ्राई करनी है, तो ये भी मिर्ची मैंने धो के और साफ़ करके रखी है। ये 2 टेबलस्पून मैंने इसमें ऑयल डाला है और इसमें मैं मसाले डाल रही हूँ। इसमें मैं मसाले डाल रही हूँ सरसों 1/2 चम्मच, ये क्रैकल करेगी तो हम जीरा डालेंगे। इसमें जीरा डाला है और ये दाल, माँ की धुली हुई दाल और थोड़ी सी चना दाल, ये मिक्स करके डाल दूँगी। और ये करी पत्ता डाल रही हूँ। इसके साथ ही मैं इसमें लहसुन या चटनी डाल रही हूँ। इसमें रेड चिल्ली पाउडर 1/2 चम्मच, हल्दी 1/2 चम्मच और नमक अपने स्वाद अनुसार, जैसा आपको सही लगे, मैंने 1 चम्मच डाला है। अब इसमें ये सब मिक्स कर लिया है। अब इसमें मैं आलू डाल के, जो उबले हुए आलू मैंने मैश किए हैं, अब उनको इसमें मिक्स करूँगी। तो इसमें थोड़ा सा अमचूर पाउडर भी डाल सकते हो अगर आप अपने मुताबिक डालना चाहते हो। अब ये मैं इसमें आलू मैश किए हुए डाल रही हूँ और इनको अभी इसी मसाले में भूनूंगी। अच्छी तरह से भूनने के बाद इस मसाले को ठंडा करना है। अब इसमें भूनते वक्त थोड़ा सा धनिया हमने ऐड करना है, हरा धनिया, उससे टेस्ट में और भी अच्छा लगेगा।
और थोड़ा सा धनिया हमने बेसन में भी मिक्स किया है। अब इसको हमने ठंडा करना है। ठंडा करके फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। हेलो, अब ये पाव जिसमें हम पाव में बड़ा लगा के खाते हैं, ये वही पाव है, पर इसको हम बीच में से कट कर लेंगे ऐसी, और इसको हम किसी और चीज़ के लिए यूज़ कर लेंगे। अब इस पे हम पुदीना चटनी, सौंठ चटनी इसके ऊपर डालते हैं। और इसको हम ये एक्स्ट्रा निकाल देते हैं। ये मसाला आलू के जो हमने बॉल बनाए उसके अंदर ये हम पाव रखेंगे और इसको बंद करेंगे। इसको अच्छी तरह से हमने कवर करना है। चारों ये बॉल के अंदर हम ये इसमें अब इसको हम बेसन के घोल में डिप करके फ्राई करेंगे। हमने आंच स्लो रखनी है, बहुत ज़्यादा तेज नहीं रखनी। ये वड़ा पाव के अंदर हमने पाव अंदर रखा है और वड़ा बाहर। वड़ा पाव से हटके है, इसमें पाव को अंदर डाला गया है और वड़ा को बाहर रखा गया है। अब इसको मध्यम आंच पे गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको फ्राई करेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने अपनी तरफ से फ्यूजन वड़ा पाव बनाने की कोशिश की है। आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। इसके ये वड़ा के अंदर पाव है, ना कि पाव में बड़ा है। ये आप मुझे कमेंट्स करके बताइए कि ये आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी। मैंने अंदाजा से
उसको पूरी तरह से ठीक से बनाने की कोशिश की है। आपके उत्तर का मुझे इंतज़ार रहेगा।